हाथ अगर गंदे हो गए तो पानी से धोए जा सकते हैं। कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से साफ किया जा सकता है। पर शिव कथा कहती है अगर मन गंदा हो जाए तो न पानी से साफ होता है न साबुन से साफ होता है। अगर मन गंदा हो जाए तो केवल सत्संग से ही साफ हो सकता है, बाकी का किसी से साफ नहीं। कहती है कथा में वही पहुंच पाता है जिसने अपना अहंकार, अपनी अभिमत्ता, अपना अहम घर के दरवाजे पर छोड़ कर आया हो। और कथा में जब गिरिराज बाबा के मंदिर में आप चौखट पर जब प्रवेश कर ऊपर चढ़कर दो सीढ़ी चढ़कर जब इस पावन प्रांगण में आते हैं तो कोई अहंकार करने वाला व्यक्ति तो बाहर ही रह जाता है, पर जो अभिमत्ता से विहीन हो गया, अहंकार से जो चला गया, केवल वही कथा में पहुंच पाता है। केवल वही कथा में जिसको मनुष्य चुनता है, जिसको मानव चुनता है, वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको महादेव चुनता है वो शिव महापुराण में जाकर बैठता है। भगवान चुना है इसलिए बैठे हो, इसलिए बैठे। और फिर निवेदन करूंगा, मैं फिर आपसे कहूंगा इस शिव महापुराण को आप साधारण ना समझे। गिरिराज बाबा की साक्षी है, भोलेनाथ जी भी बैठे हैं, स्वयं ठाकुर राधा रानी के साथ बैठे हैं, शंकर भगवान की कथा चल रही है, चारों तरफ भगवान शंकर का नाम स्मरण है। इस पंडाल में केवल ये पंडाल नहीं है महाराज जी, ये केवल पंडाल को इसको परिभाषित नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक सुंदर सी बात कही जाती है, दूध को अगर बेकार नहीं होने देना है तो फ्रिज के अंदर रख दो, सही है कि गलत है? सब्जी को बेकार नहीं होने देना, आप भी आई होगी तो काय में रख के आई होगी, बोलो तोरी, फ्रिज में रख के आई हो ना, बेकार नहीं होगी, जाओगी शाम को गर्म कर फिर काम में ले लोगी। तो ये केवल केवल पंडाल नहीं, ये फ्रिज है। इस फ्रिज के अंदर आकर जो बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है, ये पक्का। जो फ्रिज के बाहर है उसकी गारंटी नहीं, पर फ्रिज के अंदर है तो सड़ेगा तो नहीं। तो तुमसे कोई पूछे यहां से जाने के बाद कहां गई थी तो कहना फ्रिज में बैठी थी, पर उसको बता देना कौन से फ्रिज में बैठी थी, नहीं तो वो भी अलमारी फ्रिज की जालियां निकाल के अंदर बैठ जाए, उसका क्या ठिकाना। उसको बताना कौन सा फ्रिज है, ये फ्रिज वो है जो एक बार जाकर बैठ गया संसार में सड़ता नहीं, ना काम ना लोभ ना विषय ना आसक्ति ना तृष्णा ना वासना, उसमें फिर पड़ेगा नहीं, उसको कुछ भी नहीं सुहाएगा। रात में भी अगर सपना देखेगी तो यही देखेगी शंकर जी की कथा चल रही, महाराज जी बाच रिया मैं सुन रही, गिरिराज मंदिर जा रही, गोवर्धननाथ जी का दर्शन कर रही, श्रीनाथ जी बाबा का आनंद कर रही, उसके मन में बस यही यही चले। और आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी नींद नहीं आ रही होगी, सुबह से उठते ही बस कथा ही कथा दिखे, कई कई तो रात के भी चिल्ला रही होगी, हार पति बेचारा घबरा रहा होगा, कहां से आई है तू, कहां गई थी ऐसी, उसकी बेचैनी बढ़ गई बाप रे की, तू गई कहां थी, तो के कथा में गई थी। जब से कथा चालू हुई है शंकर की, ये वो पुराण है जो चंचुला देवी विधवा हो जाती है तो उसका खंड सौभाग्य मिल जाता, ये वो पुराण है जो अधोगति में मर जाते हैं, जो कुंवारी अवस्था में चले जाते हैं, एक्सीडेंट आदि में चले गए, जिनको पिंड नहीं मिलता। गरुण पुराण कहती है कि कुंवारी अवस्था में मरने वाले को पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, तिलांजलि नहीं होती, ब्रह्म कपाली नहीं होती, उसका श्राद्ध नहीं होता, उसको भोजन नहीं मिलता। पर शिव महापुराण की कथा जो नारी श्रवण कर लेती है, जो पुरुष श्रवण कर लेता है, उसके 71 पीढ़ी में भी अगर कोई कुमारी अवस्था में मर जाता है तो उसको पिंड मिलना चालू हो जाता है। ये वो पुराण साधारण नहीं, शिव महापुराण लोग तरसते हैं इस पुराण के। लॉकडाउन के बाद पहली कथा शिवरी नारायण करी है, दूसरी कथा आपके दोसा में हुई, उसके बाद में फिर अब यहाँ से जाने के बाद 10 तारीख से 16 तारीख सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव है, उसके बाद में फिर झारखंड बोकारो में कथा है, झारखंड में, तो कहीं भगवान की कथा।